हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है सरस्वती पूजा और ये देखिए मौसम का हाल। सामने का ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा जो है कुहासे बैठे हुए हैं और सुबह के अभी 7 बज रहा है और ये देखिए मौसम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज है सरस्वती पूजा। तो आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी सरस्वती पूजा। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले घर की सफाई कर रही थी और ये ऊपर ऊपर ना ये झूल वगैरह हो गए थे थोड़ा थोड़ा, तो उसको मैं अभी निकाल रही थी। और ये खिड़की में भी हो गए थे, तो खिड़की हमेशा तो पर्दा से ढका रहता है, तो इसको मैं हर एक मतलब 10 दिन 15 दिन में एक बार जो है इसमें खिड़की को कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और ऐसे झूल वगैरह रहता है ना, तो उसको मैं निकाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये देखिए बेड के ये जो कोने कोने में होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा झूल जो है बैठते हैं, तो उसको अभी मैं निकाल दी थी दोनों रूम में और ये हॉल में भी। और यहाँ पे ये देखिए मनीषा भी सफाई कर रही थी और यहाँ पे डुग्गू भी कुछ कुछ कर रहा था। मैं भी अभी सारा सफाई कर रही थी और यहाँ पे गोलू भी अपना मतलब अभी बच्चे एक एक करके अभी फटाफट अभी नहा रहे थे, क्योंकि इन लोगों को भी फटाफट जल्दी से अभी पूजा करना था। और हमारे यहाँ पे नीचे मतलब अपार्टमेंट में यहाँ पे मूर्ति आया है, तो वहाँ पे भी अभी सरस्वती माता का पूजा होगा, तो वहाँ पे भी अभी जाना है। तो फटाफट मैं पहले घर के काम निपटा रही थी, उसके बाद बच्चे जो है एक एक करके अभी नहा रहे थे। तो यहाँ पे अभी ये देखिए ये मेरा अभी घर में वही घर के झाड़ू पोछा और ये सोफे के नीचे ना, इसको भी मैं 1 हफ्ते 10 दिन में एक बार हटा के जो है इस तरीके से झाड़ू लगाना पड़ता है मुझे, तो ऐसे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये देखिए इसके अंदर अभी झाड़ू लगा के मैंने पोछा कर दिया था, उसके बाद अभी ये बेड्स ये सोफे के कवर वगैरह अच्छे से इसको झाड़ के जो है अभी मैं और ये सफाई कर देती हूँ। और ये सोफे जैसे कि ये जो कवर है ना, मेरा पुराना वाला जो कवर था ना वो बहुत अच्छा था, मोटा था और मतलब वो ज़रा सा में मतलब कुछ नहीं होता था। और ये जो कवर है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी ना ये गंदे भी हो जाते हैं, पर देखने में अच्छे लगते हैं पर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना मेरा पहले वाला कवर अच्छा था। तो ये है। और अभी मेरा मॉर्निंग का जो है सारा काम हो ही रहा है। मनीषा गोलू जो है अभी नहा लिए हैं, वो सब तैयार हो गए हैं पूजा करने के लिए। और अभी मैं डुग्गू को नहला रही हूँ और ये नहाने के टाइम ना अभी रो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मतलब ज़रा सा धूप नहीं निकला था और ठंडा भी लग रहा था, और इसको फिर भी अभी नहलाना ज़रूरी है क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, तो अभी ये भी पूजा करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैं डुग्गू को नहलाने के लिए हमेशा ये वाला प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ। ये है मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट हीट टू टॉय वॉश। इससे ना हम बच्चों के स्किन में भी लगा सकते हैं और हेयर भी वॉश कर सकते हैं। इसमें ओट्स है, मिल्क है और कैलेंडुला है। मिल्क से ना बच्चों के स्किन और हेयर को सॉफ्ट रखता है, ओट्स से जो है बच्चों के स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, और बच्चे की स्किन के लिए जेंटल है, माइल्ड है, फ्रेग्रेंस फ्री है और टीयर फ्री फॉर्मूला के साथ आता है। तो बच्चों को इससे नहलाओ ना तो बिल्कुल भी बच्चे जो है रोते नहीं है। और हाँ, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, मेड सेफ है, पीएच बैलेंस को भी बना के रखता है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी आप इस ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मामा अर्थ के जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं ना 100% नेचुरल चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। और अभी डुग्गू को नहलाने के बाद इसके अच्छी तरह से इसका पानी को पोंछ के और मैं इसको जो है मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। तो मॉइस्चराइजर में मामाअर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन लगाती हूँ, इसमें भी ओट्स है, मिल्क है और कैलेंडुला है। ये 24 आवर्स तक बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइजर रखता है। इस लोशन से ना बच्चे की स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है और डीपली नरिश करके रखता है। और हाँ, आपको पता ही होगा मामाअर्थ ब्रांड जो है इंडिया का ब्रांड है, तो जितने भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं 100% नेचुरल चीज़ों से मिलकर बनाते हैं, मेड सेफ होते हैं। और हाँ, ये दोनों प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ये बहुत सारे ऐप में मिल जाएगा, मामा अर्थ, अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल। और ये अगर मामा अर्थ ऐप से लेते हो तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो कि फैमिली 2024 है। मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो इसमें 20%
का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा mamaearth.in पर, और सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और जब भी आप इनसे कुछ ख़रीदारी करते हो ना, तो एक लिंक से होते हुए एक ट्री भी प्लान करते हैं। तो अगर आपका ये लोकल स्टोर में आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ऑनलाइन तो मिलता ही है, ऑफलाइन भी मिलता है। तो यहाँ पर अभी ये देखिए मेरे तीनों बच्चे जो है नहा धो के तैयार हो गए हैं और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं सरस्वती माता की फ़ोटो रखे हुए हैं और अपने अपने किताबें रखे हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये फूल प्रसादी वगैरह जो है वो चढ़ाते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे जो सरस्वती माता की मूर्ति जी आई थी, तो यहाँ पे भी अभी सभी लोग पूजा कर रहे हैं। और मनीषा गोलू भी इधर ही बैठे हुए हैं। और मैं अभी थोड़ा सा नहीं आई थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी घर के कामों की वजह से, तो यहाँ पर अभी मैं बाद में आती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं नीचे आ गई हूँ और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, और यहाँ पे पूजा हो गया, आरती भी हो गया है, और मैं आके अभी प्रणाम कर ली हूँ सरस्वती माता के पास। तो यहाँ पे ये देखिए डुग्गू प्रसादी खा रहा है, ये मनीषा, भैया कहाँ अपना पंडित जी के रहला से। तो यहाँ पे अभी ये देखिए प्रसादी मिला है, प्रसादी अभी डुब्बू का है, मेरा है, ये खा नहीं रहा प्रसादी। हम ले जाएंगे इसके साथ ही, हम पहले बोल देते, हम जा रहे थे, जल्दी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है, ये आलू फ्राई हो रहा है, गोभी, आलू मटर बनेगा अभी। तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे सिलेंडर आया था, आज हम लोग का सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो वो अभी आया था। ये देखिए इसको अभी मैं बाहर बालकनी में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और ये वाला ये देखिए मैंने ये वाला इयररिंग्स मैंने चेंज कर लिया है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है पर बड़े बड़े हैवी है। और आज ना हम लोग का खाना जो है नीचे ही सभी का बन रहा है, तो अभी मैंने नाश्ता खाना जो है कुछ भी नहीं बनाया है, और करीब अभी टाइम हो गया 1:30 बज गया है, तो बच्चे सब आज नाश्ता नहीं किए, वही प्रसादी वगैरह खाए हैं, और डायरेक्ट अभी जो है खाना खाएंगे। और मैं भी अभी जा रही हूँ नीचे, मैं खा लेती हूँ, तो मैं अभी बेर खा रही हूँ पूजा वाला। तो यहाँ पे अभी देखिए आज का हमारा खाना है, ये है पूरी सब्जी और छोला और खीर भी है, और यहाँ पे सभी लोग जो है खा रहे हैं बैठे। अरे तुम पहले खाओ ना, उसके बाद एक बच्चे से भी और बैठे। उसके बाद खाने के 2-3 घंटा के बाद वापस हम चावल मैं तो गया।
खाना ना बच गया था, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं लेके आई हूँ। इसमें पूरी, सब्जी, खीर, और अभी ना ये भी आने वाले हैं, तो इनके लिए भी अभी मैं खाना लेके आई हूँ। और अभी ना लाइट कटा था, तो दो बार मैं ऊपर नीचे की ना, तो थक गई। तो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग वहाँ पे नीचे बैठे थे, सब कुछ हो गया है, खाना पीना। तो अभी हम लोग आए थोड़ा सा टहलने। खाना तो यहाँ पे ना अभी प्रसादी ले लिए थे, और एक जगह हम लोग जा रहे हैं, वो भी बुलाए थे, तो वहीं पे जा रहे हैं अभी। उठा लेते हैं, अभी लगाइएगा। तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है, और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज दिन भर जो है सुबह से मैंने चाय नहीं बनाई है ना पी है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, और अभी ये भी आए हैं, तो इनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। और खाना वगैरह ये देखिए लाई थी, नीचे से थी रखा हुआ है, तो बच्चे खाएंगे, जिनको खाने का मन करेगा शाम को। पूरी नहीं खाएंगे तो फिर मैं रोटी बना दूंगी, क्योंकि सब्जी है, छोला की सब्जी, और जो मिक्स सब्जी मैं लाई थी नीचे से वो भी है। तो फिर बस मुझे रोटी बनाना है शाम को, तो ये शाम का खाना है। और अभी चाय पी लेते हैं, और थोड़ी देर बाद जो है फिर आरती होगा नीचे, तो वहाँ पर आरती में भी जाना है। यहाँ पे शाम का चाय पीने के बाद, यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं ये दिया बाती भी घर में कर लेती हूँ। उसके बाद जहाँ हमारे यहाँ पे मूर्ति है ना नीचे, तो वो यहाँ पे भी मैं आ गई थी, और यहाँ पे आखिरी आरती हो रहा था, सभी लोग आरती कर रहे थे। ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसा लगा आप सबको? अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए।